मुख्यमंत्री ने किया विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। पर्यटन नगरी मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहुउद्देशीय टाउन हॉल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टाउन हॉल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मसूरी वासियों के लिए टाउन हॉल की सौगात के साथ ही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का भी लोकार्पण किया गया है। साथ ही शिफन कोर्ट के निवासियों के लिए आवास बनाने हेतु भूमि पूजन भी किया। उन्होंने बताया, 144 करोड़ रुपए की लागत से बनी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी क्षेत्र में डल रही पेयजल लाइनों का शिलान्यास कर मसूरी वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। नव भारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। झूठा वादा करने वाले, हाथ किस हद तक काला है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने कितने काम किए ये बताने की आवश्यकता नहीं। और मैं सच बताऊं तो देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर 55 वर्षों तक लगातार एक पार्टी का शासन रहा है और इन 55 वर्षों में भी एक परिवार का शासन रहा है। इन्हें इनका हाथ भी काला है और इनकी नीयत भी काली है। मुझे कहते हुए कोई एतराज नहीं, उत्तराखंड के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। आपने इनके कारनामे पिछली सरकार में देखे हैं, किस प्रकार के कारनामों को इन्होंने अंजाम दिया है। केवल भ्रष्टाचारियों के विकास से इन्हें लेना देना है तो माफियाओं के विकास से लेना देना है, उत्तराखंड की संस्कृति से छेड़छाड़ वालों के विकास से इनका लेना देना है। कौन नहीं जानता कि इनकी सत्ता के दौरान किस प्रकार से एक विशेष समुदाय के लोगों को, कुछ लोगों का प्रोत्साहन देखने को मिलता था। वहां पर आम आदमी आता था, सामान्य आदमी आता था, कोई मसूरी से आएगा, धनौल्टी से आएगा, टेहरी से आएगा, उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं था। लेकिन एक वर्ग विशेष के लोग आते थे तो उन्हीं की आव भगत होती थी। जहां आज हमारा चौथा मंजिल है, जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है या मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर अच्छी तरह से दिखाई देते थे कुछ विशेष प्रकार के लोग। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड की अस्मिता से, हमारी सांस्कृतिक पहचान से अगर छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा तो इस देवभूमि के कोप का वो भागी अवश्य बनेगा, क्योंकि ये देवभूमि है। देवभूमि कभी किसी को माफ नहीं करती है। आज बहुत सारे लोग उत्तराखंडियत की बात करते हैं कि उत्तराखंडियत को लेकर हम आगे जाएंगे, उत्तराखंडियत को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। जब चुनाव आता है तो उन्हें उत्तराखंडियत की बात याद आती है, और जब ये प्रदेश बन रहा था तो उत्तराखंड राज्य का विकास कर रहे उत्तराखंड राज्य का जो है विरोध करने में सबसे आगे थे। जिस समय खटीमा में मसूरी में गोलीकांड हो रहा था उस समय वो कह रहे थे कि इसमें इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, उत्तराखंड अलग राज्य की आवश्यकता नहीं है। आज सबसे पहले कहते हैं कि उत्तराखंडियत को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज जब मोदी जी के नेतृत्व में बाबा केदार में 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण था, जब कोरोना शुरू नहीं हुआ था तब बच्चों के साथ एक बार यही बात में गया था मैं आगे तक धनौटी तक, तब मैंने देखा कि इतनी लाइन लगी हुई थी कि 1 बजे रात तक भी रास्ता नहीं मिल रहा था और बहुत लोग जो है अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए ढूंढते रहते थे कि कहां गाड़ी करें, क्या करें, कैसे करें। आप सभी को बताना चाहता हूं, केवल मैं ही नहीं, केवल गणेश जोशी जी ही नहीं, हम सभी यहां आने वाले पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में हम काम करेंगे, यानी कि वो हमारे सबके गेस्ट हैं। इस रूप में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने केदार बाबा की भूमि से उन्होंने एक आह्वान किया है, और प्रधानमंत्री जी शिव भक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने कहा कि जो 21वीं सदी का तीसरा दशक ये हमारे उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने कहा कि जितने पर्यटक, जितने सैलानी, जितने श्रद्धालु पूरे देश भर से, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक आए होंगे, उससे ज्यादा
आने वाले 10 वर्षों में आने वाली, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में रिकॉर्ड टूटने वाला है। आज हमारे सीमांत क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछ रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सड़कों के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, चाहे वो ऑल वेदर रोडों की बात करें या हम भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें। ऐसी ऐसी सड़कें बन रही है जिसके बारे में कभी किसी सोचा भी नहीं होगा। और तो और पहाड़ में रेल जाना एक सपने के समान था। लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी। पहाड़ों के बीच में से रेल जा रही है, बड़ी सुरंगें बन रही है, एक से एक मशीन आ रही है। क्या आप लोग बताइए कोई सोच सकता था? मोदी जी के आने से पहले कभी किसी ने सोचा था कि कर्णप्रयाग तक की रेल यात्रा होगी? 2024 में ये यात्रा पूरी हो जाएगी। अब चुनाव आने वाले हैं, काम हम यहां पर कर पाए। मुझे याद है मसूरी की पार्किंग के लिए जब मैं सचिवालय का घेराव कर रहा था, 20,000 आदमी लेके घेराव किया, उसमें 4 आदमी सिर्फ मसूरी के थे। उसका जीओ हो गया, फिर हमारे मित्र चले गए कि आपने गणेश जी को हीरो बना दिया। कांग्रेस की सरकार थी, फिर जीओ रोक दिया। फिर मैंने कहा सीएम साहब से, हरीश जी से, मैंने कहा क्या आपके घर आना पड़ेगा क्या? धन्यवाद करता हूं, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जीओ कर दिया। फिर शिलान्यास का टाइम दिया, शिलान्यास टलवा दिया। फिर मसूरी आ रहे थे इतनी कॉलेज के प्रोग्राम में, मैंने कहा आपको आदर नहीं दूंगा मैं। फिर जैसे भी किया, मैंने मैंने शिलान्यास कर दिया और आज उसका लोकार्पण होने जा रहा है। मसूरी पेयजल योजना 2-2.5 साल पुरानी बात है। अगर आपने अखबार में पढ़ा होगा, शिमला में होटलों में बोर्ड लगा दिए गए थे, आप शिमला मत आइएगा, हमारे यहां पानी नहीं है। मैंने अखबार पढ़ा, मैं सोचने लगा कि अगर मसूरी में ऐसा हो गया गणेश जोशी तो क्या होगा। मैंने कहा वहां की जनता, होटल वाले भी मुझे पकड़ेंगे कि आपको विधायक बनाया हमने। बहुत मैं चिंता में था। वो कहते हैं वीर जो विल देर जो वे, आदमी की सोच अगर होती तो रस्ते अपने आप बन जाते हैं। हमने राज्यसभा के सांसद अनिल बनर्जी को यहां पर बुलाया और उनका मैंने सम्मान जब किया, मैंने उनसे एक मांग की। मैंने कहा भाई साहब आप मसूरी पेयजल बना दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है, सरकार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और 144 यमुना से पानी लेकर हम यहां पर आ रहे हैं, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस योजना के पूरी कंप्लीट होने के बाद आने वाले 35-40 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा, ये बड़े विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं। अभी 35 करोड़ रुपया हमने, आपने देखा होगा लाइनें बढ़ रही हैं, जो शेष लाइनें छूट गई थी, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। जब जब भी मसूरी के लिए मैंने आपसे कुछ मांगा है, आपने मुझे ना नहीं किया है। 35 करोड़ रुपया आपने हाल ही में स्वीकृत किया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज जॉर्ज एवरेस्ट में अगर आप जाकर देखें, 23.5 करोड़ की लागत से उसका सौंदर्यीकरण हमने किया, उसका स्वरूप हमने बदल दिया है। मसूरी में फसाद लाइट लग गई है, आप रात को देखोगे टूरिस्ट जब आए। विभिन्न अपने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, जिसमें हमारा खेल मैदान हो गया और ऐसे दुर्गम हमारे क्षेत्र जहां आज तक रोड बन नहीं पाई, क्यों बड़े बड़े दावे करने वाले बीजेपी सरकार डबल इंजन का सरकार का दावा कर रही है, तब भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड सड़ गए और उसके बावजूद भी हम आज तक लोग सुविधा से वंचित है। जैसे टावर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आप देख रहे हो तो बड़े बड़े जो घोषणा कर रहे थे उसमें धरातल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जो उसमें हम देखा जा रहे कि रोड की हालत क्या है, स्वास्थ्य की हालत क्या है, उसमें भी अगर ये वादे न करते हुए, घोषणा न करते हुए धरातल में काम करते तो अभी 4 साल में काम पूरे हो गए होते। मुख्यमंत्री के जो आपने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री ने किस तरीके का आश्वासन दिया है, क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री का काम करेंगे? मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन भी दे दिया, उनसे उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इसमें जल्द कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई क्या कह सकते हैं, क्योंकि अब आचार संहिता भी लगने वाली है और
ये खाली घोषणाओं में रहेगा, कागज में रहेगा, रद्द के ढेर में जाएगा। मुझे तो इतना ही यकीन है कि रद्द के ढेर में जाने वाला है जो मेरा ज्ञापन है। पर एक उम्मीद भी करता हूँ कि युवा मुख्यमंत्री है और थोड़ा उसमें धरातल में अगर कुछ काम कर भी पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा उत्तराखंड वासियों के लिए, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए भी। देखिए, मसूरी हमारा सदाबहार एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर सभी सुविधाएं हों इसके लिए यहाँ पर आज पार्किंग का लोकार्पण हुआ है। मल्टीपर्पज जो पार्किंग बनी है, साथ में पंपिंग योजना का भी जो है यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो यहाँ पर पिछले दिनों से जो प्रस्तावित थी, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन सभी का लोकार्पण हो रहा है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने भी हमने शिलान्यास किए हम सभी का लोकार्पण करेंगे और जो योजनाएं हमने शुरू की हैं उन योजनाओं को पूरा करेंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो राज्य है वो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से एक राज्य है और ये हमारी प्रमुख आर्थिकी का आधार भी है। आने वाले समय में और भी सुविधाएँ यहाँ पर लोगों को मिलें, अच्छे रास्ते बने, अच्छी सुविधाएँ हों, हर प्रकार से हेली सेवा अच्छी हो, सड़कों के लिए अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली की दूरी सड़क मार्ग से भी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। ऑल वेदर रोडों से लोगों के 4 धामों तक पहुंचना आसान हो रहा है। हम हेली सेवा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, हेली सेवा प्रत्येक शहर तक जाए उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही हैं। आने वाले समय में जो हमारा रजत जयंती वर्ष जब हम मनाएंगे तब तक हमारी सारी सुविधाएँ हो जाएँ, हर सड़क से हर गाँव जुड़ जाए, हर जो है इंटरनेट की सुविधा पहुँच जाए, हेली सेवाएँ पहुँच जाएँ, रास्ते हमारे अच्छे हो जाएं, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। पहाड़ में सर प्लान के लिए क्या आपके सरकार के प्लान को देखिए, प्लान को रोकने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुपों को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए यहाँ पर होम स्टे की जो योजना है उसको बढ़ाने के लिए अभी 8,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में ये रोजगार लाखों लोगों तक पहुँचे उसके लिए हम काम कर रहे हैं। SLBC की लगातार बैंकों की हम लगातार समीक्षा बैठक में 4 बैठकें अभी तक कर चुका हूँ, प्रत्येक माह हम बैठक करते हैं। और हमने बैंकों से भी कहा है कि अगर कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको जो है आसानी से चीज़ें मिलनी चाहिए। आजीविका मिशन के तहत हमने क्यूरीवेटर पर काम करना शुरू किया है। अभी अल्मोड़ा में और कोटद्वार में एक गढ़वाल क्षेत्र के लिए, कुमाऊँ क्षेत्र के लिए 2 केंद्र खुले हैं। वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग से लेकर उनका जो भी उनको जानकारी लेनी है या किस प्रकार से उनको काम शुरू करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। विपक्ष पर हमला बोला है सर, आज आपने विपक्ष पर हमला बोला है सर। मैंने जो वास्तविक बातें हैं वो बोली है सर। सर 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 4 महीने और 500 घोषणाएं, 200 शासन आदेश, किस तरीके से करते हैं सर? इस तरीके का काम घोषणाएं नहीं है, हमने जो भी घोषणाएं करी है सबके शासन आदेश निकल रहे हैं और हम उसका बेहतरीन प्रबंधन भी साथ में कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी घोषणाएं ऐसी जगह की हैं जो समय या तत्काल परिस्थिति के हिसाब से जो हमने करी है उनकी DPR बन रही है उन क्षेत्रों से।